के में रैली कर रहे तो बढ़िया बात है, ये तो महंगाई के लिए रैली कर रहे तो बढ़िया बात है। महंगाई के में खाने का तेल 100 रुपए था, आज 200 रुपए किलो है। महंगाई के खिलाफ अभियान में दिल्ली की जनता साथ दो। अभी भी कोविड महामारी के दौर में रोजगार नहीं है और हम राशन जो 10 किलो प्रति व्यक्ति मिलना चाहिए वो उसकी मांग कर रहे हैं। और ये कहना चाहते हैं कि जो आज गरीब लोगों के पास सिलेंडर के जो दाम जो सब्सिडी मिलती थी वो सब्सिडी भी बंद कर दी है और अभी पेट्रोल डीजल के दाम रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 200 रुपए का सिलेंडर हो गया, अब चूल्हा जलाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। जो आज रोजगार नहीं है, काम नहीं है, वो तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो रहा है। महंगाई का रेट कम करे ना खाए, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? पैसे वाले खाएंगे, गरीब आदमी रोड पर सोएंगे, बच्चों का कहाँ से पैसा उड़ा कराएंगे, कहाँ से पढ़ाई करेंगे? स्कूल भी बंद हो गया, स्कूल का पैसा भी बंद हो गया, बच्चा भी बेकार हो रहा है। जो सरकार जो है अमीरों पर जो सीधा प्रत्यक्ष कर लगाने की जो जरूरत है, जिनके पास ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा आय है, अमीर है, उनके ऊपर कर ना लगा करके, जिसको हम अर्थशास्त्री अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, हर वस्तु पर कर लगाना, और उसमें भी खासकर ऐसी चीजों पर जो कच्चे माल की तरह प्रयोग होती है, तेल डीजल जो है हर चीज में लगता है, ट्रांसपोर्ट में लगता है, ट्रैक्टर चलाने में लगता है, हर चीज में जो है आपको फ्यूल की जरूरत होती है, तो उसके ऊपर इतना भारी टैक्स लगाना, उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है जो पूरी अर्थव्यवस्था पर, उसके कारण से महंगाई होती है। तो ये जो महंगाई आप देख रहे हैं ये सीधी सीधी सरकार की बनाई हुई महंगाई है और इसके लिए सरकार सीधी तरह से जिम्मेदार है, ये समझने की जरूरत है। कलाकार हैं लेकिन हम भी इस देश के नागरिक हैं, इस शहर के रहने वाले हैं, और जो आम शहरी के ऊपर जो बीतती है वही सब कुछ हमारे ऊपर भी बीतती है। वैसे भी जननाट्य मंच हमेशा से मजदूर संगठनों के साथ, अन्य संगठनों के साथ, महिला संगठनों के साथ वगैरह हमेशा रहा है और हर संघर्ष के अंदर हमने हिस्सा लिया है। इसलिए जाहिर है कि आज जब साइकिल रैली की बात थी, और हम में से बहुत से ऐसे हैं जो खुद हम साइकिल चलाते हैं, मसलन मैं खुद, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं गाड़ी नहीं चलाता, मैं साइकिल पे ही चलता हूँ हर जगह, तो मुझे लगता है कि साइकिल को चलाना केवल प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक पॉजिटिव रूप में भी हमको देखना चाहिए। हमें शहर की सेहत के लिए भी, अभी जो है दिवाली के फौरन बाद हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा पोल्यूशन अभी बढ़ा हुआ है, तो इस सब के खिलाफ भी एक तरह से एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए भी मुझे लगता है कि साइकिल को लेकर के जो है चलना ये शहरियों के लिए बहुत अच्छी बात है। जिसके पास चार गो वो भी रो रहा है, जिसके पास दो गो उसके वो भी रो रहा है, जिसके पास आदमी नहीं है वो लेडीज कमा के कैसे घर चलाए? आलू 80 रुपए किलो हो गया, नया आलू उतना 80 रुपए हो गया, प्याज 40 रुपए है, जिसके पास नहीं है तो क्या करे? कमल पर सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस का तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये जनता का मुद्दा है, जन का मुद्दा है। महंगाई आज पूरे समाज के ऊपर इस तरह से हावी है कि हर रसोई इसके प्रभावित है, हर रसोई, चाहे वो पेट्रोल का की कीमत हो, चाहे डीजल की कीमत हो, इन सब का असर हर सामान, हर वस्तु पर पड़ रहा है, हर आदमी के जीवन पर पड़ रहा है। तो शिक्षक, चाहे शिक्षक हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो आम जनता हो, वो भी समाज का ही हिस्सा है, और यही वजह है कि इस बड़े मुद्दे पर, इस ऐसे मुद्दे पर जो समाज का मुद्दा है, जन का मुद्दा है, तो जन के बीच उतरना आज सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। और इसी कारण से तमाम जन संगठनों ने इस मुद्दे के खिलाफ दिल्ली के सड़कों पर आने का फैसला लिया। और आज हम ये कहते हैं कि बेसिक सर्वाइवल का सवाल है, अगर सरकार ने महंगाई पर रोक नहीं लगाई तो ये धीरे धीरे ये आंदोलन केवल संगठनों के द्वारा नहीं, एक आम जनता का आंदोलन का रूप धारण कर लेगा आने वाले दिनों में, अगर यही आलम रहा। और सरकार तो सरकार को केवल चुनाव, उससे संबंधित कार्य, इनके अलावा सरकार को बिल्कुल चिंता नहीं है। दिल्ली की सरकार भी बिल्कुल जो है चुप बैठी हुई है महंगाई के मसले पर। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल इसके अंदर दखल नहीं कर सकते, महंगाई के ऊपर रोक नहीं लगा सकते हैं, मगर वो भी नहीं लगा रहे हैं। पीछे हम लोगों ने देखा, पिछले सालों में आप लोगों ने भी देखा होगा
कि जब जब आलू प्याज के दाम बढ़ते थे तो दिल्ली सरकार आलू प्याज के अलग अलग ट्रकों के द्वारा बिक्री सेल किया करती थी, जिससे कि बाजार के अंदर जो अनियंत्रित हो रहा है, जो लाला बड़े पूंजीपति जो अपनी मनमानी करके 70 रुपये 80 रुपये प्याज बेच रहे हैं, आलू बेच रहे हैं, उसके ऊपर दाम ऑटोमेटिकली एक हफ्ते के अंदर फिर नीचे आ जाते थे। मगर उस प्रकार का दखल नहीं है, और ये दखल कम नहीं है जब त्योहारों का सीजन चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही सरकारें आम जनता का जो सरोकार है उनसे उनका कोई वास्ता नहीं रह गया है। दिल्ली देश की राजधानी है और ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार मिनिमम वेजेस, डिक्लेयर्ड मिनिमम वेजेस तक एंश्योर नहीं कर पा रही, सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। आज हेल्पर को 15,908 रुपये मिलना चाहिए, मगर आमतौर पर सैलरी 7,000, 8,000, 9,000, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं है 8 घंटे काम करने के ऊपर। तो ये सारे मसले हैं, इसको लेकर के CITU व 12 मजदूर संगठनों ने प्लस जो हमारे जनसंगठन है वो समर्थन कर रहे हैं। आने वाली 25 नवंबर को पूरे दिल्ली NCR के अंदर हड़ताल का आह्वान किया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं दिल्ली की जनता उस हड़ताल के अंदर पूरा सहयोग करेगी, साथ देगी, और मैं ये भी समझता हूँ ये एक स्वाभाविक नेचुरल एक विरोध होगा, ये कोई काल्पनिक बनावटी विरोध नहीं। आम जनता इस समय वाकई में त्रस्त है। हम सारी दुनिया मांगेंगे।